खबर विदिशा जिले के सिरोंज से है, जहां ग्राम पंचायत मुगल सराय में गर्मी का सीजन शुरू होते ही लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मुगल सराय राजनीतिक दृष्टिकोण से दर्जन भर से अधिक गांव का केंद्र बिंदु माना जाता है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य माधवी माथुर के अलावा बीजेपी नेता प्रशांत पालीवाल भी इसी गांव से गहरा नाता रखते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के रहवासी आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल नल जल योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर टंकी बनवाई गई, लेकिन पेयजल टंकी अभी तक चालू नहीं हुई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार पेयजल की गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के नेताओं को भी समस्या से अवगत कराया गया, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आखिर इन ग्रामीणों को पानी की समस्या से कब तक निजात मिलती है। पानी की बहुत विकट समस्या है, गड्ढे हैं, लेकिन अपनी अपनी मोटर डाल के अपने अपने कब्जा में करके और जो लोग संबंधित हैं अपने उनके लिए पानी देते हैं, बाकी के लिए कोई पानी नहीं। रात रात भर पानी भर रहा है, दूर दूर से ले लेके आ रहे हैं। हम स्कूल के नल से पानी भरते थे, स्कूल में नल है अंदर, तो स्कूल का नल 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है। 2 दिन बाद शिकायत भी करी, सुधारने वाला आया ही नहीं है। बहुत परेशानी है, पानी की बहुत समस्या आ रही है। पूरे गांव में पानी नहीं है, एक दो गड्ढे चालू है पीएचपी वालों के, और ये ऐसे गड्ढे करते हैं क्या, ना तो केसिंग डालते हैं इनमें, एक पाइप ऊपर डालते हैं एक नीचे डालते हैं, बीच में की केसिंग भेज देते हैं। और जब भी करते हैं जी 6-7-8 गड्ढे हैं इस मुगल सराय में टंकी के लिए, सरकार योजना के लिए दे रही, गरीब पानी गांव वालों को मिले, प्यास न लें, लेकिन मुगल सराय में गऊ माता परेशान है। पानी की समस्या जी आ रही है कि हमारे यहाँ जो पीएचसी है ना, पूरी पीएचसी वालों ने परेशान कर रहे हैं, और जो ठेकेदार हैं वो भी हमें परेशान कर रहे हैं। ना तो मोटर डाल रहा है, गड्ढा हो गया, मोटर नहीं डाल रहा है, हमने एक छोटी मोटर डाली है, इसलिए हमारा मतलब मवेशी और गाँव वालों का काम चल रहा है, नहीं गाँव वाले खुद परेशान आ रहे हैं। पानी की समस्या है, 3 माह पहले पीएचसी के माध्यम से गड्ढा हुआ था, उस गड्ढे में 2.5 इंची पानी है, जबकि मुगल सराय में पानी वाटर लेवल बहुत कम है। हमने बार बार पीएचई को भी सूचना दी है और वहाँ के ठेकेदार से भी बोला है कि आप शीघ्रता शीघ्र मतलब मोटर डालने की वो करें, लेकिन अभी तक मोटर नहीं आई है, तो उसके लिए हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था रखी है, 1 इंची मोटर डालकर हम गांव वासियों को पानी पिलाने की वो कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, साथ में 2-3 हौदियाँ उसको भी भरते हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने 1 इंची मोटर उसमें डाली है, जब तक पीएचई उसमें बड़ी मोटर नहीं डालेगी तब तक पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पाएगी। सरपंच एवं सचिव दोनों की सलाह से इसमें मोटर डालिए, गड्ढे में इसमें मोटर डालिए, और जिस दिन सरपंच की मोटर आ जाएगी जहाँ डालने उस दिन ये मोटर हट जाएगी। आपके माध्यम से सूचना मिली है कि किसी ने निजी मोटर पंप डाल ली है नलकूप में, तो हमने पंचायत को सिंगल फेस मोटर पंप उपलब्ध कराया था, यदि किसी ने निजी मोटर पंप डाल रखी है तो हम निरीक्षण कराते हैं उसका, और उसको निकलवाते हैं शासकीय मोटर पंप।